सलमान खान के शो बिग बॉस को लेकर निकी तंबोली ने एक बड़ी बात कही है। ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन निकी तंबोली ने निमृत को लेकर भी काफी कुछ कह दिया है और मेकर्स की तरफ भी एक बड़ा इशारा किया है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। निकी तंबोली का कोई भी रिएक्शन सामने आना फैंस के लिए बड़ा ही डिफरेंट, बड़ा ही यूनिक हो जाता है। जी हाँ, इस वक्त ट्विटर पर निकी तंबोली ने घर में जो रैंकिंग हुई थी, निमित में जिस तरीके से रैंकिंग दी, शिव, अब्दू, एमसी स्टैन, साजिद, प्रियंका वगैरह वगैरह, जिस तरीके से सभी घर वालों को रैंकिंग दी गई, उस रैंकिंग से खुश बिल्कुल भी निकी नजर नहीं आई और इसीलिए इस रैंकिंग पर अपनी राय उन्होंने रख दी है। निकी कहती है, सम पीपल रैंकिंग बीबी कंटेस्टेंट्स, और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे हंसते हुए, ये देखिए कितने सारे हंसते हुए इमोटिकॉन्स डाले हैं, और लिखती है, ना आपके कभी ओपिनियंस काम आए हैं ना आएंगे, ना रैंकिंग, ये आपको भी पता है, जो होना है वो होगा और सबको पता है क्या होगा, इंजॉय द प्रोसेस। जी हाँ, यानी कि मेकर्स को एक ताना कस दिया है, मेकर्स को एक तंज कस दिया है, ये कहते हुए कि आप कितना भी डिसाइड कर लो, आप कितने भी अपनी राय रख लो, लेकिन मेकर्स को जिसको जिताना है वो उसी को जिताएंगे, मेकर्स को जिसको नंबर वन पर रैंकिंग रखनी है वो उसी को रखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रैंकिंग के हिसाब से अब्दू रोजिक को नंबर वन पर रखा गया है, आप खुद सोचो, जेन्युइनली जो अब्दू के फैंस है वो भी जेन्युइनली जवाब दे रहे हैं इस बात का, क्या जेन्युइनली आपको लगता है गेम के हिसाब से और ओवरऑल पर्सनैलिटी के हिसाब से अब्दू रोजिक शो पर नजर आ रहे हैं? नहीं ना, लेकिन फिर भी मेकर्स ने रखा है, तो किस बेसिस पर रखा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई जेन्युइनली कि बिना कुछ किए अब्दू ही सीजन की ट्रॉफी लेकर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो वाकई ये सीजन पूरा व्यर्थ जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अंकित को एक पल को दे दो तो समझ भी आए, लेकिन अब्दू तो शो पर अंकित जितना कॉन्ट्रीब्यूशन, सुम्बुल जितना कॉन्ट्रीब्यूशन भी उनका नहीं फिलहाल दिख रहा है। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ फिर से, आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मुताबिक घर वालों को इन लॉलीपॉप्स के पीछे इस शो के प्रति उनके योगदान के आधार पर रैंक करें। घर के मुद्दे हो या ड्यूटीज रिलेटेड हो या टास्क रिलेटेड हो, मुझे लगता है कि शिव का योगदान काफी अच्छा है, तो मैं चाहूंगी कि शिव रैंक नंबर वन पे। दोस्ती यारी नहीं करना है टीना, पूरा दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता, बट क्लियरली आपने ये चीज देखी कि फर्स्ट पे शिव है, अग्रीड, शिव का मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट अब्दू थर्ड पे है, अर्चना को नहीं रखा आपने थर्ड पे, प्रियंका को आपने सिक्स्थ पर रख दिया, तो ये जो रैंकिंग है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रैंकिंग थी। अब इस चीज पर आपको क्या है कहना, बताइएगा जरूर।